हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इवेपोरेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है। ठीक है, तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, ये चीज़ तो अपने सबको पता है। ठीक है, इवेपोरेशन को अगर हिंदी में बोलें तो क्या होता है, वाष्पीकरण, मतलब वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है मेरा, इवेपोरेशन कहलाता है। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये क्या है मेरा, कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर एट फ्री सरफेस। ठीक है, तो वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब काम की बात देखते हैं कि इवेपोरेशन होता कैसे है। ठीक है, एक्चुअल में इवेपोरेशन का क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मैं एक वाटर की बॉडी बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई एक वाटर की बॉडी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ओशियन हो सकता है, कुछ भी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली लेयर मेरी क्या हो गई, वाटर हो गई। इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया मेरे पास, एयर हो गया, मतलब वाटर के ऊपर तो एयर ही होगी ना। ठीक है, अब देखें कि इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, फ्री सरफेस आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन मुझे करवाना है, तो इवेपोरेशन अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल का करवाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा। एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा तो क्या होगा, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लो जी, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये सीधा वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या हो चुका है, इवेपोरेशन हो चुका है। ठीक है, तो अब इसे क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वाटर का जो मॉलिक्यूल यहाँ से छोड़ के गया है इसको, तो इसको छोड़ के जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी होती है, ये होती है मेरी 585 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वाटर। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक ग्राम वाटर को इतनी हीट दे दूंगा या इतनी एनर्जी दे दूंगा तो ये जो वाटर है अपनी सरफेस छोड़ के या वाटर को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसे ही क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई इस वाटर मॉलिक्यूल को जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली। ठीक है, तो एनर्जी जो सोर्स होते हैं, यहाँ पे एनर्जी सोर्स होते हैं वो दो हो सकते हैं मेरे पास, या तो हो सकता है मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा हो सकता है मेरे पास इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स तो जिंदाबाद है, अपने को पता है क्या होता है, सूर्य होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स में तो मैं सीधा सा लिख सकता हूँ क्या होता है मेरा, जनरली सन होता है। ठीक है, सूरज से गर्मी आएगी जिससे कि ये एनर्जी पाके कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और इंटरनल सोर्स जो होता है वो होता है इंटरनल हीट ऑफ वाटर। इंटरनल हीट ऑफ वाटर मतलब वाटर में जो इनिशियली हीट प्रेजेंट है उससे ये वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी लेके कहाँ चला जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई साहब। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है। ठीक, ये बात हो गई, इसको आप थोड़ा सा बना लें अपनी लैंग्वेज में। क्लियर, अब देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी बात है, यहाँ पे देखें एक्सटर्नल सोर्स की बात तो आप एक बार हटा दें, दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे इंटरनल हीट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पास कुछ इंटरनल हीट रिजर्व है, उसने सिक्योर करके रख रखी है, स्टोर करके रख रखी है, उसका यूज करके ये वाटर का पार्टिकल क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इस वाटर के पार्टिकल ने इंटरनल हीट का कुछ ना कुछ पार्ट यूज में ले लिया। ठीक है, जैसे जैसे इवेपोरेशन होता जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स इस इंटरनल हीट में से कुछ पार्ट धीरे धीरे निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल हीट धीरे धीरे मेरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सही बात है। ठीक है, तो इंटरनल हीट जब वाटर की कम होगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा या घटेगा, सॉरी गिरेगा या बढ़ेगा,
ऑब्वियसली बात है गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वाटर के पास पहले इंटरनल हीट प्रेजेंट थी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, धीरे धीरे इवेपोरेशन की वजह से इंटरनल हीट जो थी मेरी वो कम होती गई। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर क्या होता गया? धीरे धीरे कम होता गया। तो वाटर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवेपोरेशन के साथ साथ कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि इवेपोरेशन जो होता है मेरा क्या होता है, इज अ कूलिंग प्रोसेस। मतलब इवेपोरेशन जब होगा मेरा तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर कम होगा और वाटर क्या होगा, ठंडा पड़ता जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल था जो कि एनर्जी लेके एटमॉस्फेयर में चला गया था, वेपर में कन्वर्ट हो गया था, ये क्या करता है, वाटर की जो फ्री सरफेस है उस पर क्या करता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है, ठीक है ना भाई। यहाँ से ये छोड़ के जाएगा तो कुछ मूवमेंट तो हुआ ना इसका। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो क्या कर रहे हैं, वाटर की इस फ्री सरफेस पे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, ये वाटर की सरफेस पे क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसे क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। तो एक अपने पास टर्म निकल के आई, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रेशर एग्जर्ट बाय वाटर सरफेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस के टाइम पे वॉटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर लगता है वॉटर पे, उसे क्या बोलते हैं अपन, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखें आप, धीरे धीरे मेरे पास क्या है, वॉटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एयर प्रेजेंट है, ध्यान से देखें, यहाँ पे वॉटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे वेपर को लेती जा रही है, ठीक है भाई। यहाँ से वेपर उड़ी, उड़ के कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, मतलब आसपास की जो एयर है उसमें चली गई। अब एयर के पास धीरे धीरे वेपर की परसेंटेज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा जब एयर की कैपेसिटी वेपर लेने की खत्म हो जाएगी, एयर ये बोलेगी भाई मेरे पास सफिशियंट वेपर आ चुकी है, अब मैं और वेपर नहीं ले सकती, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, क्या यहाँ से इवेपोरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसकी वेपर लेने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मतलब और ज्यादा वेपर वो नहीं ले सकती, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा मेरे पास, एट अ पर्टिकुलर टाइम इवेपोरेशन प्रोसेस इज स्टॉप, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा मेरे पास जब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, हालांकि 100% नहीं रुकता है, इसकी रेट बहुत ज्यादा कम पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा केस में या इस स्टेज में जो मेरे पास वेपर प्रेशर होता है उसे बोला जाता है सेचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। ध्यान से देख लें, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर टाइम जब इवेपोरेशन प्रोसेस मेरा रुक जाता है, उस टाइम पे एयर का जो वेपर प्रेशर होता है उसे बोला जाता है सेचुरेशन वेपर प्रेशर, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल ES से। क्लियर है ये बात, बना लो इसको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जैसे कि वाटर की लेटेंट हीट कितनी होती है, इवेपोरेशन किस टाइप का प्रोसेस होता है, वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं, और सेचुरेशन वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको बना लें एक बार। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए, इवेपोरेशन रेट। हेडिंग डालें, इवेपोरेशन
इवेपोरेट। देखें यहाँ पे इवेपोरेशन तो क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब वाटर मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो पूरा की पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, मेरा इवेपोरेशन कहला रहा है। अब इवेपोरेशन को मैं चेक कैसे करूँगा कि इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो चेक किया जाएगा इवेपोरेशन रेट के भी आप पे, ठीक है। और इवेपोरेशन रेट जो होती है वो एक पर्टिकुलर मेरे पास लॉ होता है जिसे बोलते हैं डाल्टन लॉ, इसके भी आप पे एक इक्वेशन दी जाती है जिसे इवेपोरेशन रेट का फॉर्मूला बोलते हैं, ये होता है मेरे पास E इज इक्वल टू के ई एस माइनस ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कैपिटल E है ये क्या है, इवेपोरेशन की रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन हेयर कैपिटल E इज इक्वल टू इवेपोरेशन रेट, ठीक है। K जो होता है मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ई एस जो होता है आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या होता है मेरे पास सेचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और ई ए जो होता है मेरे पास ये होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। एक बात ध्यान देने की है यहाँ पे, ई ए मतलब जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है उसे अपन फ्री सरफेस से 2 मीटर की हाइट पे नापते हैं, ठीक है। दूसरा सेचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर दोनों को मरकरी के हाइट की टर्म में यूज किया जाता है, मतलब प्रेशर को अपन लेते हैं ना mm of Hg मतलब मरकरी की हाइट के रूप में, ठीक है। तो इन दोनों प्रेशर को मरकरी की हाइट में लेते हैं, मतलब mm of मरकरी में लिया जाता है इनको, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक रिलेशन आने वाला है यहाँ से, ठीक है, तो उसको समझते हैं अपन। देखो इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, आपके पास कैपिटल इवेपोरेशन रेट हो गई, के आपके पास एक कांस्टेंट हो गया, एक कोफिशियंट हो गया जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, फिक्स रहनी है, ठीक है। ई एस क्या है मेरे पास, ये है मेरा सेचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी भी मेरी क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। अब मेरे पास वेरिएबल चीज़ क्या बची, ओनली एक्चुअल वेपर प्रेशर या ओनली ई ए बचा, ठीक है। अब यहाँ से आप रिलेशन देखें, अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ से बढ़ती है, ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो मेरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ई ए की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ई एस में से ज़्यादा पार्ट घटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जैसे ही इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू कम होगी, इवेपोरेशन रेट मेरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ में आई, अगर मेरे पास एक्चुअल वेपर प्रेशर बढ़ता है तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है। अपोजिट लेते हैं, अगर मेरे पास एक्चुअल वेपर प्रेशर यहाँ पे घटेगा तो इस वाले पार्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और इवेपोरेशन रेट मेरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन आया इवेपोरेशन प्रेशर और इवेपोरेशन रेट और एक्चुअल वेपर प्रेशर में क्या आया कि एक्चुअल वेपर प्रेशर मेरा बढ़ेगा तो रेट घटेगी और वेपर प्रेशर घटेगा तो रेट बढ़ेगी, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरे पास E इज इक्वल टू 1/ES, ये क्या आ गया मेरे पास, एक पर्टिकुलर रिलेशन आ गया, क्लियर है बात। होप आपने इसको बना लिया होगा, ठीक है। अब अपने पास एक नई टर्म आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक नई टर्म आई अपने पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी सब समझते होंगे, ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता को बोलते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। ये बहुत सुना होगा आपने ह्यूमिडिटी वर्ड, बरसातों के टाइम पे आता है, ठीक है, टेम्परेचर इतना इस जगह का और ह्यूमिडिटी इतनी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मेरी जो एयर है उसमें वेपर का कितना परसेंटेज पार्ट है उसे किससे डिनोट करते हैं, अपन ह्यूमिडिटी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे अपने पास वर्ड आया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर
टू सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब RH मेरे पास क्या हो गया, EA by ES, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल वेपर प्रेशर और सेचुरेटेड वेपर प्रेशर की जो वैल्यू ली जाती हैं वो हमेशा सेम टेम्परेचर पे या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ली जाती हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। मतलब यहाँ पे बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या कर दिया मैंने, कॉन्स्टेंट कर दिया, मतलब टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर दिया। अब मुझे देखना क्या है, ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन रेट का रिलेशन देखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ क्या होता है अपने पास, E इज इक्वल टू के ई एस माइनस ई ए, यही होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे ई ए को कॉमन ले सकता हूँ, सॉरी ई एस को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या हो गया, के वन माइनस ई ए बाय ई एस, ये मेरे पास क्या बन गई, डाल्टन इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको जो टर्म दिख रही है मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर और सेचुरेशन वेपर प्रेशर का रेशियो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन कैसे मॉडिफाइड हो जाएगी, ई इज इक्वल टू के वन माइनस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, एक रिलेशन बन गया इनका, ठीक है, किस किस का, इवेपोरेशन की रेट का और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब आप यहां से अगर इनका रिलेशन देखें तो जैसे जैसे मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी दैट मीन्स ये वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, कम हो जाएगी और इवेपोरेशन की रेट मेरे पास घट जाएगी, ठीक है। दूसरी तरीके से अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पास RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू घटती है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रिलेशन है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से जो रिलेशन आया मतलब इवेपोरेशन रेट जो होती है वो क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अपना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट हुआ, निकल के आया, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन बनता है इन पे, क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं इन पे, आपको क्या देंगे, एक क्वेश्चन बना के दे देंगे कि भाई इवेपोरेशन की रेट इस टाइप से डिपेंड करती है, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ बढ़ती है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ घटती है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन यहाँ से दे दिए जाएंगे, सॉरी एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे, क्लियर है। तो आपसे इस टाइप से इवेपोरेशन रेट के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और बाकायदा पूछे गए हैं, ठीक है, इसको आप बना लें। क्लियर है, हटा रहा हूँ यहाँ पे मैं, बना लिया होगा आपने। अगली हेडिंग डालें, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन रेट, ये इम्पोर्टेंट है और इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मतलब हालांकि इवेपोरेशन एक छोटा टॉपिक है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं हुए हैं, लेकिन पूछे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालें फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन रेट, सबसे पहला फैक्टर आता है मेरे पास टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहां पे पहली बात, जब मैं इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पहला फैक्टर लिया टेम्परेचर, मतलब मैं इवेपोरेशन रेट को किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ओनली टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। इसका मतलब मैंने बाकी के जो सारे फैक्टर थे उनको क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। मैं ओनली किसके रेस्पेक्ट में रिलेशन देख रहा हूँ, टेम्परेचर के रिलेशन में। तो मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी, शेप, साइज, अड़ंग बड़ंग सबको क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है अगर टेम्परेचर मेरे पास बढ़ेगा, ठीक है, मेरे पास
कोई वाटर बॉडी है, आपने भगोने में पानी रख रखा है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा उसमें से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है पता होगी, तो इवेपोरेशन रेट जो होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ गया, क्लियर। कब आया, जब अदर फैक्टर जो है मेरे, मैंने उनको क्या रखा, कॉन्स्टेंट रखा, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो गया। सेकंड पॉइंट या सेकंड फैक्टर आता है मेरे पास ह्यूमिडिटी। देखो वापस से ह्यूमिडिटी वर्ड आ गया, ह्यूमिडिटी अभी थोड़ी देर पहले पड़ी थी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेरी एयर है उसमें वेपर कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एयर की परसेंटेज, सॉरी, जितनी ज़्यादा वेपर की परसेंटेज एयर में बढ़ती जाएगी, एयर की एक्स्ट्रा वेपर लेने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन ने रिलेशन से भी देखा था, अपन नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो ह्यूमिडिटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे मेरी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। आप ये तो सिंपल सी बात है, आपको ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी भारी बात नहीं है इन चीज़ में, ठीक है। थर्ड जो मेरे पास फैक्टर आता है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड मेरे पास फैक्टर होता है शेप एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी, पहली बात लेते हैं अपन शेप, ठीक है। तो शेप आपके पास जनरली दो टाइप की हो सकती हैं, या तो आपके पास कॉन्वेक्स शेप हो सकती है या आपके पास कॉनकेव शेप हो सकती है। अब ये आपको आसानी से या बहुत आसान सी चीज है कि कॉनवेक्स शेप जो होती है उसका ओपन सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो वाटर बॉडी जो है उसकी शेप कैसी है, कॉनवेक्स है, कॉनवेक्स शेप है, दैट मीन्स उसका जो ओपन सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया उसका ज्यादा है तो ज्यादा सूरज की किरण उस पर आएंगी, ठीक है। ज्यादा सूरज की किरण आएंगी तो ज्यादा वहां पे क्या करेंगी, हीट डेवलप करेंगी, ठीक है। टेम्परेचर उस पानी का क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। और ज्यादा सूरज की किरण आएंगी, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे इवेपोरेशन की जो रेट होगी वह भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स शेप के केस में मेरे पास जो इवेपोरेशन की रेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और कॉनकेव शेप के केस में मेरे पास जो इवेपोरेशन की रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्लियर। ये दो बात। सेकेंड चीज लेते हैं अपन साइज ऑफ वाटर बॉडी, मतलब सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला साइज ऑफ वाटर बॉडी। साइज जो होती है वाटर बॉडी की वो जनरली मेजर की जाती है इसकी डेप्थ के भी आप पे, ठीक है। एरिया को भी लेते हैं, क्लियर है, लेकिन डेप्थ ज्यादा डोमिनेंट करती है यहाँ पे, ठीक है। तो दो केस लेता हूं मैं आपको, पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, डीप वाटर बॉडीज क्या होती हैं, गर्मियों में हीट को स्टोर करके रख लेती हैं अपने अंदर, ठीक है। और उस हीट को कब निकालती हैं, जब सर्दियां पड़ती हैं, ठीक है। आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, ठीक है, जब सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, तब भी जो गहरी गहरी झील है मेरी वो नीचे से जमती नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत मेरे पास डीप वाटर बॉडी है इस टाइप की, ठीक है, बाहर का जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है वो मान लीजिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच चुका है, ठीक है, तो भी इस लेक में ऊपर ऊपर की परत पर क्या बर्फ जम जाएगी, लेकिन नीचे बर्फ नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी, क्योंकि इसने गर्मियों के टाइम पे हीट को एब्जॉर्व करके रख रखा है, ठीक है ना। तो वो हीट यहाँ पे इस वाटर का टेम्परेचर कम नहीं होने दे रही, उतना ही मेंटेन करके रख रही है, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात हमारी समझ में आ गई कि जो डीप वाटर बॉडी होती है, मतलब ऐसी वाटर बॉडी जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, वो क्या करती हैं, गर्मियों में या समर के टाइम पे हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और उसको कब रिलीज करती हैं, सर्दियों के टाइम पर रिलीज करती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो डेप्थ के बिहाफ पे मैं साइज का क्लासिफिकेशन देख रहा हूं। तो पहला केस लेता हूं मैं गर्मियों का, पहला केस लिया मैंने समर टाइम, ठीक है। समर टाइम में क्या होता है,
आपको साफ साफ पता लग रहा है कि समर टाइम में या गर्मियों के टाइम पे जो डीप वाटर बॉडी होती हैं वो हीट को एब्जॉर्व करती हैं, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रख लेती हैं, ठीक है। तो बाहर से इनके पास हीट आ रही है, हीट को क्या करा इन्होंने, एब्जॉर्व कर लिया, अपने अंदर समेट के रख लिया, ठीक है। तो वो जो हीट है पानी को ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ पार्ट उसका कहाँ चला गया, एब्जॉर्व कर लिया गया, ठीक है। तो वो पानी को ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएगी तो इवेपोरेशन रेट उस टाइम पर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और दूसरा केस अगर मैं सैलो वाटर बॉडी का लेता हूँ, ठीक है, सैलो वाटर बॉडी मतलब जिनकी डेप्थ कम है, तो सैलो वाटर बॉडीज जो होती हैं वो पानी, सॉरी, सैलो वाटर बॉडीज जो होती हैं वो हीट को एब्जॉर्व नहीं करती। अगर हीट एब्जॉर्व नहीं हो रही है तो पूरी की पूरी हीट कहाँ काम आ रही है, पानी को गर्म करने के काम आ रही है, और पानी को जितना ज़्यादा गर्म करेगी उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, इवेपोरेशन रेट को बढ़ाएगी, ठीक है। तो समर के टाइम पे जो इवेपोरेशन रेट होती है वो सैलो वाटर बॉडीज़ की क्या होती है हमारे पास, ज़्यादा होती है, और डीप वाटर बॉडीज़ की क्या होती है, कम होती है। सिंपल सी बात है, क्यों कम होती है, क्योंकि डीप वाटर बॉडीज़ हीट को, जो हमारे पास सूर्य से हीट आ रही है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। दूसरी बात, या दूसरा केस लेते हैं अपन विंटर का या सर्दियों का, ठीक है। दूसरा केस लिया मैंने विंटर का, विंटर या सर्दियों में अपने पास एक्सटर्नल सोर्स जो है हीट का, मतलब सूर्य जो है वो प्रॉपर हीट प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ठीक है। तो सैलो वाटर बॉडीज में क्या होगा, ध्यान से देखें, सैलो वाटर बॉडीज ने कोई भी हीट स्टोर करके नहीं रख रखी, ठीक है, और उसको एक्सटर्नल हीट भी नहीं मिल रही सर्दी की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा क्या, होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, डीप वाटर बॉडी, ठीक है, डीप वाटर बॉडी ने क्या कर रखा है, गर्मियों के टाइम पे हीट एब्जॉर्व करके रख ली थी अपने पास, ठीक है, क्लियर है। अब डीप वाटर बॉडी में अगर मैं देखूं तो इसको एक्सटर्नल हीट तो मिल नहीं रही सर्दियों में, ठीक है, जिससे कि इवेपोरेशन हो, लेकिन इवेपोरेशन का दूसरा भी दरिया होता है, क्या होता है, इंटरनल हीट। तो इंटरनल हीट से इसमें इवेपोरेशन होता रहेगा, ठीक है, बात समझ में आई। सर्दियों के टाइम पे सैलो वाटर बॉडी ने चूंकि कोई भी हीट एब्जॉर्व करके नहीं रख रखी थी तो इसकी इवेपोरेशन रेट क्या होगी, कम होगी, जबकि डीप वाटर बॉडी जो थी उसने सर्दियों में हीट को गर्मियों में हीट को एब्जॉर्व करके रख लिया था, जो क्या होगा, सर्दियों में उसके इवेपोरेशन को चालू रखेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो विंटर के या सर्दियों के केस में सैलो वाटर बॉडी का जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, और डीप वाटर बॉडी का जो इवेपोरेशन होता है वो ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डीप वाटर बॉडीज जो होती हैं वो गर्मियों के टाइम पे हीट को एब्जॉर्व करके अपने पास स्टोर करके रख लेती हैं, ठीक है, बना लें इसको।